नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजन यूपीपीएससी पर। यदि आप यूपी पीसीएस प्री 2020, आरओआरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आप acharya.com वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम पर जो ग्रुप चल रहा है विजन यूपीपीएससी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले कुछ दिनों से हम मध्यकालीन भारत को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमने 3 वीडियोस दिल्ली सल्तनत की और 4 वीडियोस मुगल साम्राज्य की हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने विजयनगर साम्राज्य को भी देख लिया है। आज हम देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन, जो मध्यकालीन भारत में बहुत डोमिनेट कर रहे थे, उसको देखेंगे। धार्मिक आंदोलन थे ये, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे। मेन इनमें धर्म का तत्व ज़्यादा दिखाई देता है, तो इसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले जो डेली बताया जाता है वही करना है। इस तरीके से एक बनाइए, उसमें फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर, योर आंसर, आपने क्या आंसर दिया है। जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ा जाता है आप अपना आंसर मार्क करिए, आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा, और करेक्ट आंसर जो यहाँ बाद में क्वेश्चन के तुरंत बाद बताया जाता है, और उसके बाद आपके मार्क्स कितने हैं, +1 -1 जो भी है, यहाँ टोटल करके आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपने कितने आंसर्स ठीक किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डेरिवेटिव वर्ड क्या है यहाँ पर? सुमेलित नहीं है। तो रामानुजनचार्य क्या है? विशिष्ट द्वैतावाद सही है ये। माध्वाचार्य का द्वैतावाद है, सही है। निम्बार्काचार्य का द्वैता द्वैतवाद है, ये भी ठीक है। विष्णु स्वामी का अद्वैतवाद है, ये गलत है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या निम्नलिखित में से किस मत का आधार है? ब्रह्म जग सत्य जगत मिथ्या, इस वर्ड का आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। ब्रह्मा ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, बेकार है, एक छलावा है केवल, ठीक है। तो ये किसका है? विशिष्ट, सॉरी, ये अद्वैतवाद का आधार है। किस मत का आधार है? अद्वैतवाद, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद क्या, किसके प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। वहाँ आंसर हो जाएगा ए, इसके प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। और उन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। उन्होंने कहा है आत्मा ही परमात्मा है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। सांसारिक माया के कारण मानव आत्मा और परमात्मा को पहचानने में भूल कर देता है। और शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी प्रचार किया है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म को आप लोग समझते होंगे। निर्गुण मतलब कोई भी ईश्वर का स्वरूप, एग्जैक्ट स्वरूप नहीं है, ठीक है। और सगुण ब्रह्म क्या है कि उसका कोई एक स्पेसिफिक उन्होंने स्वरूप बना दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है? ईश्वर को शिव का स्वरूप देकर जनसाधारण के लिए शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा एकेश्वरवाद का मार्ग प्रशस्त किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अंदर तक नहीं कभी पूछा जाएगा, लेकिन एक आपको इसका बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। शंकराचार्य का कौन सा मत था और वो मत क्या कहता था, निर्गुण है कि सगुण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है शंकर ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 3, सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सूफी सिलसिले जो इस्लामी कानून का पालन करते थे उन्हें बाशरा कहा जाता था। बाशरा का मतलब है शरा से बंधे हुए, ठीक है, शरा से बंधे हुए, ठीक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, शरा से बंधे हुए हैं कि मतलब इस्लामी कानून का पालन कर रहे हैं, जो शरीयत में लिखा है वो पालन कर रहे हैं। ऐसे सूफी सिलसिले जो स्वयं को इस्लामी कानूनों से मुक्त समझते थे उन्हें बेशरा कहा जाता था। बे मतलब अलग हो गए, शरा के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं, बेशरा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। और बेशरा सिलसिलों में कौन आते थे? घुमक्कड़ सिलसिले आते थे। यद्यपि इन संतों ने किसी नए सिलसिले की स्थापना नहीं की, तथापि क्या है, ये बेशरा सिलसिलों में आते थे। तो यहाँ पे सही कथन पूछा है, दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी।
एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सही स्टेटमेंट है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी। और वो कब भारत में आए थे? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद। अब जरा यहीं पर आप लोग याद कर लीजिए, पृथ्वीराज चौहान कौन था, उसकी किससे लड़ाई हुई थी, तराइन का युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध जीता था और कब उसकी डेथ हुई है। तो ये होप सो आपने रिवाइज कर लिया होगा, आपको याद भी होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले बेशरा विचारधारा से प्रभावित थे। ये स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों ही सिलसिले जो थे वो इस्लामी कानूनों का पालन करते थे, ठीक है, बाशरा थे, बेशरा नहीं बाशरा। तो सही कथन पूछा है, केवल कथन एक सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सूफी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले हमें कौन दिखाई दे रहा है? मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, देन बख्तियार काकी, उसके बाद फरीदुद्दीन गजय शकर, और फिर लास्ट में है निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती जो हैं सारे ये चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। इनकी लड़ाई रहती थी किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है, इनकी नहीं पड़ती थी उससे। और वो सादा ज़िंदगी उन्होंने जी थी। और आपको पता है अमीर खुसरो इनके सबसे प्रिय थे, और जिस दिन इनकी डेथ हुई थी निजामुद्दीन औलिया की, उसके नेक्स्ट डे ही अमीर खुसरो भी उनकी भी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए हमारा, इनका क्रम। नेक्स्ट, फरीदुद्दीन गजय शकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी गतिविधियों का केंद्र अजमेर नहीं था। अजमेर किसकी गतिविधियों का केंद्र था? मुइनुद्दीन चिश्ती की, ठीक है। तो ये कहाँ पे ज़्यादा रहते थे? इनकी गतिविधियों का केंद्र ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है? हांसी, जो कि हरियाणा में है, और अजोधन जो कि पंजाब में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इनके छंदों को सिखों के आदि ग्रंथों में भी शामिल किया गया है। देखिए, जब पंजाब में है, हरियाणा में है इनकी गतिविधियों का केंद्र, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आदि ग्रंथ में या सिखों को इन्होंने कहीं ना कहीं प्रभावित किया होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड वाला यहाँ पर ठीक है। सत्य कथन बताने, केवल कथन 2 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, सूफीवाद में प्रचलित शब्दों में समा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समा क्या है? सूफी संतों में गायन के माध्यम से जिसे समा कहा जाता था, लोकप्रियता अर्जित की थी उन्होंने, तो समा उसे कहते थे। यह गायन की कला थी जिसमें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। सही स्टेटमेंट है गा गा करके। आपने देखा होगा मथुरा में, वृंदावन में आप जाएंगे, वहाँ भी लोग गाते हैं राधे कृष्णा या इस तरीके के, और भी बहुत जगह गा गा करके ईश्वर से एक अनुभूति उनकी प्राप्त करते हैं। उनके क्लोजनेस के लिए एक रास्ता है, भजन जो है क्लोजनेस के लिए एक रास्ता है, उनके क्लोज जाने के लिए। इनमें अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। ये बात सही है, श्रोताओं, क्योंकि लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते थे हिंदी, इसीलिए हिंदी का प्रयोग किया जाता था। सही कथन पूछा है, दोनों ही कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को, क्योंकि वो प्राणायाम, जो योगा होता है प्राणायाम, उसे करने में बहुत पारंगत थे कि लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 9, सोहरावर्दी तथा चिश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोहरावर्दी तथा चिश्ती सिलसिले भारत में एक दूसरे के समकालीन थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लगभग दोनों ने एक ही समय प्रवेश किया था, और इनकी जो गतिविधियां हैं सोहरावर्दी वाले की, पंजाब और मुल्तान तक थी। इस सिलसिले के जो प्रमुख संत हैं वो शेख सोहरावर्दी तथा हमीदुद्दीन नागौरी थे, ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। सही बात है, चिश्ती थे वो क्या कहते थे, गरीबी में रहना है हमें, जो है ऊंचे पदों पर नहीं बैठना है, या कोई हमें राजा जो है अपने अंडर कर ले या पेट्रोनेट दे दे, वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है,
हमें गरीब जीवन बिताना है, फकीरों की तरह रहना है। जबकि सोहरावर्दी क्या कहते थे कि अगर हम किसी राज्य की सेवा स्वीकार करें या मजबी ऊंचे पदों पर हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है। और चिश्ती लोग राजनीति से अलग रहना पसंद करते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सही कथन क्या है? दोनों ही कथन सही है, आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे चिश्ती, सोहरावर्दी, ये सब की बातें आ रही हैं, इनके अंदर क्या चीज़ है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आ जाता है कि सोहरावर्दी जो है गरीबी में कोई भी राजनीतिक हस्त उन्होंने राजनीतिक पद स्वीकार नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चिश्ती ऐसे थे ना कि सोहरावर्दी ऐसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारत का सादी नाम से जाना जाता है? भारत का सादी नाम से कौन जाना जाता है? अमीर ए हसन देहलवी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्हें भारत का सादी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर भारत में के प्रसिद्ध एकेश्वरवादी संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सभी को कबीर का दोहा पता ही होगा कोई ना कोई, कबीर ने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया, सही है। निर्गुण थे को मानते थे, सगुण को नहीं। कबीर महान मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अकबर के नहीं थे, जबकि वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी यानी कि काफ़ी पहले के हैं वो, ठीक है, लोदी वंश के समय। और मुगल वंश, अकबर, ये सब तो 1500 में के करीब आए हैं, लेट 1500 वाले में रहे हैं अकबर, और सिकंदर लोदी काफ़ी पहले का है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। कबीर के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कबीर क्या थे, एक तो कर्मकांड पे जो बहुत ज़्यादा था उस पे चोट करते हैं, ठीक। सेकंड, वो समाज को सुधारते हैं, ठीक है, और उन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह पर बल बिल्कुल नहीं दिया था, निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इस सब के विरोधी हैं। और लास्ट, कबीर अवतारवाद के घोर विरोधी थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। असत्य कथन पूछा था, बी कथन जो है असत्य है, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 12, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने जो सिख धर्म है वो उसके संस्थापक माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं टेक्स्ट में मिलता है, जो गुरु नानक थे, जब आप डीप में बहुत हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जो ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको पढ़ने जरूरी है, और जीएस वालों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसमें ये कहा जाता है गुरु नानक का कोई एम नहीं था कि वो एक नए धर्म की स्थापना करें, ठीक है, वो केवल जो कमियां थी उन सबको दूर कर रहे थे। उन्होंने कुछ नैतिक विचारधाराएं बताई, नैतिक चीज़ें बताई, इस ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ डिफेंस टेक्निक्स बताई, और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें, एक कहना चाहिए एक नई तरीके की कोई चीज़ लेकर गया, और लोगों ने उसको धर्म मान लिया, बस ये था। गुरु नानक का कोई अल्टीमेट एम ये नहीं था कि मुझे एक धर्म की स्थापना करनी है, देख लेते हैं। लेकिन ऐसा उसमें कुछ हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है सिख एक धर्म है, हमारे संविधान ने उसको मान रखा है, लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो एक धर्म है। ये केवल एक जस्ट जनरल नॉलेज की बात थी कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें परेश रावल की मूवी है, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, उसमें क्या है, स्कूटर वाले बाबा लास्ट में उसको बना दिया जाता है। तो ये भगवान और ये धर्म, ये सब हम अपने आप जनता मानने लगती है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो गुरु नानक के साथ भी उस समय ये हुआ था, पर अभी वो एक धर्म है। आप कहीं भी ऐसा मत लिखिएगा कि सिख कोई धर्म नहीं है, गुरु नानक नहीं जानते थे, ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज की बात है। जब आप डीप में स्टडी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। गुरु नानक ने सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना नहीं की थी, सिखों का पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब को प्रथम बार गुरु अर्जुन देव ने लिखा था, 5वें गुरु थे ये, ठीक है, उनके द्वारा संकलित किया गया था। सेकेंड, गुरु नानक मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। ये इनकी मृत्यु हुई है 1539 में, ठीक है, और बाबर कब आया है इंडिया में, 1526 में, तो ये बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, इन्होंने पंजाबी भाषा हेतु गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का
नहीं लाए थे वो, कौन लाए थे, गुरु अंगद वो लाए थे। और जो गुरुमुखी लिपि है वो भारत की 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, सॉरी पंजाबी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में भी एक है। पंजाबी संविधान नहीं, सॉरी भारतीय संविधान है, पंजाब का अलग से कोई संविधान नहीं है, ठीक है। पंजाब के में ये लैंग्वेज है, ठीक है, तो यहाँ पे पंजाबी नहीं भारतीय। असत्य कथन पूछे हैं, तो कथन 1 और 3 असत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। सत्य कथन बताने हैं और सिख धर्म के बारे में। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने अमृतसर की स्थापना की थी, गलत है, गुरु रामदास ने स्थापना की थी अमृतसर की, ठीक। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट सही है, रामदास ने सॉरी अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया था। और गुरु रामदास सम्राट अकबर के समकालीन थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सत्य कथन हमें बताने थे, 2 और 3 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ये जो सिखों के 10 गुरु हैं इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि सबसे पहले गुरु गुरु नानक गुरु तेग बहादुर जो हैं, सॉरी गुरु नानक जो हैं वो बाबर के समय के हैं, ठीक है। तो बाद के गुरु जो हैं और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, ये सब आपको दिखेंगे, तो ये मुगलों के पैरेलल चल रहे हैं सारे के सारे। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा और इनके 10 गुरु के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि कुछ ही कुछ चीज़ें हैं सबके बारे में, जैसे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी वो गुरु गोविंद सिंह है, ये सब लिख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। सिखों के किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, अकाल तख्त ये की थी हर गुरु हर गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त का क्या मतलब है, काला तीर सिंहासन सिखों की धार्मिक सत्ता का प्रमुख केंद्र है और स्वर्ण मंदिर के ये सामने स्थित है, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, सिख धर्म के खालसा पंथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। खालसा पंथ और असत्य कथन बताना है, अभी हमने जस्ट उसके बारे में बातें की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी, अभी हमने बात की है गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। खालसा पंथ में दीक्षित करने के लिए पहलू समारोह का आयोजन किया जाता था, स्टेटमेंट ये पे यहाँ पे ये ठीक है। इसके तहत एक दीक्षा प्राप्त करनी होती है स्पेसिफिक, लड़के लड़कियाँ दोनों जा सकते हैं, और जो दीक्षा प्राप्त करने वाले जो लोग करने वालों को एक ही प्याले से पेय पिलाया जाता है, कोई एक स्पेशल उनका कोई बेवरेज होगा, कोई ड्रिंक होगी, जिससे कि जाति भेद की समाप्ति हो जाएगी, सब बराबर होंगे। खालसा पंथ में दीक्षित पुरुषों को 5 ककार धारण करने की शपथ लेनी पड़ती है, ये सही है। 5 ककार क्या हैं, केश यानी कि बाल, कच्छ, कंघा, कड़ा और कृपाण, ये इनके 5 ककार हैं, इनको ये ऑलवेज धारण करने होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग तलवार हमेशा इस तरीके से लगाए रहते हैं, टांगे रहते हैं, तो वो आप समझ जाइए खालसा पंथ के हैं, वो हमेशा उन्हें पहनना कंपलसरी है, कड़ा पहने रहेंगे, कंघा होगा, कच्छ होगा और केश होंगे उनके। खालसा संगत खालसा पंथ से भिन्न है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। खालसा संगत क्या है, सिखों की एक सभा होती है, ठीक है, इसमें सामान्यतः साध संगत और पवित्र लोगों की सभा कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ए स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध मध्यकालीन संत तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुलसीदास के बारे में तो सभी को पता होगा, उन्होंने रामायण की रचना की है, रामायण की है कि रामचरितमानस की, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तुलसीदास ने रामायण की रचना की है, गलत स्टेटमेंट है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है, महर्षि वाल्मीकि ने, और तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, ठीक। नेक्स्ट, तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, सही स्टेटमेंट है, और तुलसीदास अवतारवाद के विरोधी थे, ये स्टेटमेंट गलत है, उन्होंने अवतारवाद का समर्थन किया था। रामचरितमानस की जो इंसान रचना कर रहा है वो कहीं ना कहीं और भगवान की तरह उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अवतार को मानते ही हैं,
कि भाई शिव का अवतार थे या किसका अवतार थे, तो वो अवतारवाद को मानते हैं, उनकी बुक बता रही है। उसके बाद सगुण भक्ति को भी मानते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने पूरा एक चरित्र बना दिया है। किसका? राम का, लक्ष्मण का, उन्होंने कितने सारे चरित्र बना दिए। तो सगुण भक्ति पर भी वो मानते थे। तो यहाँ पे आप इनकी केवल रचना के नाम से ही आप इनके बारे में बता सकते हैं। और लैंग्वेज इनकी क्या है? अवधी लैंग्वेज है। तो कौन से कथन सही है? केवल कथन दो सही है, इसलिए आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय इतिहास के भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूरदास का नाम सभी ने सुना होगा, और बचपन से हम इनके जो है कृष्ण भक्ति को और कृष्ण को लेकर के इन्होंने जितनी अपनी रचनाएं की हैं उनके बारे में किसी न किसी रूप में हमने पढ़ा भी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सूरदास संत विट्ठलनाथ के सदस्य थे, शिष्य थे। ये गलत स्टेटमेंट है। ये बल्लवाचार्य के शिष्य थे, और बल्लवाचार्य के पुत्र थे कौन? विट्ठलनाथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सूरदास अष्ट छाप के कवियों में एक थे। सही स्टेटमेंट है। अष्ट छाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी, और इसमें 8 भक्त कवियों की मंडली थी। ठीक है, तो 4 शिष्य बल्लवाचार्य के थे और 4 जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट, सूरदास संत तुलसीदास के समकालीन थे। ये स्टेटमेंट भी सत्य है। ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, सूरदास और तुलसीदास। तुलसीदास ने किसके बारे में लिखा है? रामचरितमानस में को लिखा है, और इन्होंने सूर सागर लिखी है। सॉरी। और ये जो हैं श्री सूरदास हैं, इन्होंने हमेशा कृष्ण, श्री कृष्ण की लीला और इस सब के बारे में ही लिखा है। तो इनकी रचनाएं और भी हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सब ब्रिज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। सत्य कथन पूछा है, पहला कथन असत्य है और 2 और 3 सत्य है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 18। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत शंकर देव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन बताना है। शंकर देव ने मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध किया। ये सही स्टेटमेंट है। उन्होंने मूर्ति को मना किया था, ठीक है, और उन्होंने क्या किया? विरोध किया। इन्होंने शैव धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये गलत स्टेटमेंट है। इन्होंने वैष्णव संत थे, शंकर देव जो थे वैष्णव संत थे, और इन्होंने क्या किया था? विष्णु की उपासना पर काम किया था, ना कि शैव धर्म में। आप एक डांस सुनेंगे, मणिपुर का जो डांस है, वहाँ पे भी आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है, वैष्णव संत। और इसके बारे में आप जब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी, ये स्टेटमेंट ठीक है। सॉरी, मणिपुर नहीं, ये जो है असम की तरफ है। शंकर देव जो है असम में इन्होंने व्यापक धार्मिक सुधार किया है। और लास्ट स्टेटमेंट है, शंकर देव ने अपना कार्य क्षेत्र असम को बनाया। सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे गलत पूछा था असत्य कथन, तो असत्य कथन है यहाँ पर बी। कौन कहाँ पे ज़्यादा वर्क कर रहा है इसको भी ध्यान रखिएगा। शंकर देव असम के हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक ही ये स्पेशल दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 19। सूची 1 और सूची 2 में संप्रदाय और संत दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। तो संत हैं और उनके संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, ठीक है, श्री संप्रदाय। उसके बाद सनक के हैं, सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य। बरकारी संप्रदाय तुकाराम, और रुद्र संप्रदाय के हैं बल्लवाचार्य। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4321 डी। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, तो इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये जो वर्कारी संप्रदाय है इसके तुकाराम है, और सनक संप्रदाय के कौन है? सॉरी एक मिनट, सनक संप्रदाय के तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं, ठीक है, और उसके बाद सनक संप्रदाय के निम्बकाचार्य हैं, वर्कारी के तुकाराम हैं, और ये रुद्र संप्रदाय के बल्लवाचार्य हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ये 4321, यहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अचिंत भेद भेद भेदाभेदवाद का संबंध मध्य गौड़ीय संप्रदाय का संबंध चैतन्य महाप्रभु से है। सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है, निपक्ष संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरि वंश के थे। ये स्टेटमेंट गलत है। निपक्ष संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल थे, ठीक। और थर्ड स्टेटमेंट है,
भावार्थ दीपिका नामक पुस्तक के रचयिता संत ज्ञानेश्वर थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है यहाँ पर। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सत्य कथन पूछे, आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था? दक्षिण भारत में सूफी मत, ठीक, सूफी संत की नाम पूछा है, तो ये सूफी संत हैं शेख हुसैनी गेसुदराज, इन्होंने दक्षिण भारत में जा कर के सूफी मत का प्रचार प्रसार किया था। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहान ने रखी थी, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और दौलताबाद को अपना निवास स्थान बना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है, इसमें भक्ति संत दिए गए हैं और उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो नरसी मेहता गुजरात से हैं, मीरा कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं, सभी को पता है, और चैतन्य महाप्रभु बंगाल से, और सूरदास उत्तर प्रदेश से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, तो ये बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वीं सदी में अरब दार्शनिक इब्न अरबी के अद्वैतात्मक विचारों को भारत में लोकप्रियता मिली, सही स्टेटमेंट है, अरब दार्शनिक थे ये। नेक्स्ट, जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद ए वजूदी नाम से विख्यात है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उनका उसका क्या कहना था कि सब कुछ एक ही परम तत्व की अभिव्यक्ति है, कि मतलब सभी का जन्म जो है एक ही कोई परम तत्व है, उसी से हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, सही कथन पूछा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ये सब चीज़ें इनमें बहुत ज़्यादा फिलॉसफी को बस एग्ज़ाम पास करना है, हमें उतनी ही पढ़नी है, उन्हें डीप नॉलेज ज़्यादा इस पर खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, MCQs को सॉल्व करना सीखिए, कौन सा संप्रदाय क्या कह रहा था, बस इतना, कितना कौन सक्सेसफुल हुआ कौन नहीं हुआ इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, करिएगा पहले सिलेक्शन ले लीजिए उसके बाद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हकै के हिंदी पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की? ये की है अब्दुल वहीद बेलग्रामी ने, इसकी पुस्तक की रचना की है। ये कौन थे? ये सूफियों में हिंदी भजन निरंतर लोकप्रिय होते जा रहे थे, और हिंदी भजनों का प्रयोग उनमें इतना लोकप्रिय हो गया कि इन्होंने इस पुस्तक की रचना कर दी, जिसमें उसने सूफी रहस्यवादी संदर्भ में कृष्ण मुरली गोपी यमुना आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईश्वरवादी संत नहीं है, जो कि एक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है? तो वो है तुलसीदास। कबीर मानते हैं, गुरु नानक मानते हैं, रैदास भी मानते हैं, पर तुलसीदास ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है, तुलसीदास जो है सगुण भक्ति के माध्यम से राम की उपासना पर उन्होंने बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजनचार्य थे, ये स्टेटमेंट सही है, उन्होंने ही भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन किया था। कब, उनका जन्म कब हुआ, 1017 में दक्षिण भारत में हुआ था। इन्होंने श्री रंगम में आचार्य के पद पर रहते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी किया है, और रामानुजनचार्य का ने शंकर के शंकराचार्य जो है उनके अद्वैतवाद का खंडन किया था, और कौन सा मत लेकर के आए थे वो, अपना विशिष्ट द्वैतावाद। ठीक है, आपको कई बार ये याद नहीं होता होगा कौन किसका मत था, तो ऐसे रामानुजनचार्य को ध्यान रखिए, राम जी विशिष्ट थे तो विशिष्ट द्वैतावाद, राम जो भगवान थे सभी को पता है, तो वो क्या थे, विशिष्ट थे अपने आप में, तो उनका क्या होगा, विशिष्ट द्वैतावाद। इन्होंने ब्रह्मा को निर्गुण ना मान के सगुण भी माना है, रामानुजनचार्य ने सगुण माना है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को श्रेष्ठ माना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गुरु नानक द्वारा निपक्ष या निपक मार्ग का अनुमोदन किया गया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, हम ये पहले भी देख चुके हैं। इसका किसने किया है, संत कौन थे, दादू दयाल ने निपक मार्ग का अनुमोदन किया है, और परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना भी की है गुजरात और राजस्थान में, भक्ति आंदोलन का
भक्ति का प्रचार प्रसार भी इन्होंने किया है। थर्ड सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो भेदाभेद सिद्धांत के नाम से लोकप्रिय हुआ। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ठीक है। उन्होंने भेदाभेद सिद्धांत उनका कहा गया। इनका जो संप्रदाय है वो सनक संप्रदाय है, ठीक है। और इन्होंने एक बुक की रचना भी की है, वेदांत परिजात सौरभ की रचना की है, और आत्मसमर्पण का मत भी प्रतिपादित कर राधा कृष्ण को आराध्य देव माना है, ठीक। और लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल सही है। नामदेव कहाँ के हैं, कौन से संप्रदाय के हैं? वर्कारी संप्रदाय, अभी हमने देखा था। वर्कारी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल माने जाते थे, या उन्हें विठोबा जी भी कहते हैं। और तुकाराम भी इसी संप्रदाय के हैं, ज्ञानेश्वर भी इसी संप्रदाय के हैं। महाराष्ट्र में जितना भी धार्मिक क्रांति का श्रेय है वो इन्हीं लोगों को दिया जाता है। तो सत्य कथन यहाँ पे पूछा है, केवल कथन दो असत्य है, तो 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27। सल्तनतकालीन जौनपुर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर वंश के सभी शासकों ने संस्कृत साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। वहाँ पे तो शर्की वंश था। आपको लगता है वो संस्कृत साहित्य को इतना ज़्यादा संरक्षण प्रदान करेंगे? ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। उन्होंने अरबी और फारसी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था, ना कि संस्कृत साहित्य को। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। जौनपुर की मस्जिदों में हिंदू स्थापत्य शैलियों का समावेश मिलता है। ये स्टेटमेंट ठीक है। क्या है, वहाँ की जो मस्जिदें हैं उनमें मीनारें नहीं हैं। उनकी विशेषता क्या है? ढलवा दीवारें और राजसी दरवाजे हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन दो सत्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। मध्यकालीन भारत के बंगाल के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बंगाल की प्रसिद्ध इमारत अधीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया। सही स्टेटमेंट है ये। और कृतिवास द्वारा अनुदित बंगला रामायण को बंगला की बाइबल कहा है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आप सही है कर लीजिए, कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन सही हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में कौन सा नगर मालवा की परमारकालीन राजधानी थी? मालवा पर किस किसने आक्रमण किया है? अकबर ने भी किया है, और भी सभी लोग मुगल वाले नीचे की तरफ आक्रमण करने गए थे। तो मालवा की राजधानी क्या है? धार या धारा नगरी। तो ये बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धार या धारा नगरी मालवा की परमारकालीन राजधानी थी। मालवा के प्रसिद्ध तथा विद्या प्रेमी शासक भोज के शासनकाल में धार एक प्रसिद्ध नगर भी था, लेकिन होशंग शाह की पदवी धारण करने वाले मालवा के एक शासक ने अपनी राजधानी मांडू स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध पुंड्रवर्धन भुक्ति से था? पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ का था? उत्तरी बंगाल का था, ठीक है। तो बंगाल का इससे जो है, किस राज्य का? बंगाल राज्य का इससे संबंध रहा है। और पुंड्रवर्धन भुक्ति के बारे में गुप्तकालीन अभिलेखों में हमें दिखाई देता है। आंसर है हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 31। नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया? वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो सबको पता है। नैनार कौन थे? शैव संत थे, और अलवार वैष्णव संत थे, और ये दक्षिण भारत में इन्होंने भक्ति धार्मिक आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 32। नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या पूछा गया है। ये सभी संत जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध व शिक्षित जाति से ही संबंधित थे। ये गलत है। ये सभी जाति के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी थे, ठीक है। और ये क्या करते थे? ये बौद्ध, और सेकंड स्टेटमेंट, ये संत बौद्ध एवं जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। बिल्कुल गलत है, ये तो आलोचना करेंगे। जब हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव हैं, और बौद्ध धर्म इनकी कमियों के कारण ही आया था, तो ये तो आलोचना करेंगे बौद्ध और जैन धर्म की। ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। नैनार एवं अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
ये जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं भी रचते थे और उन्हें संगीतबद्ध किया करते थे। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन तीन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी सी। क्वेश्चन नंबर 33, फिर से एक क्वेश्चन, नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या किया है कि बताया है कि प्यार करिए शूरवीर, यानी कि जो चोल पांड्य राजा थे उन्होंने अपनी शूरवीरता दिखाई थी, उस सबका इन्होंने भक्ति के मूल्यों में अपने समावेश किया है। चोल और पांडियन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों कथन सही हैं, सी आंसर हो जाएगा क्योंकि एक और दो दोनों सही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 34, तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है। तो ये नैनार संतों के गीतों का संकलन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं, तेवरम में तो नहीं है, ठीक है, तो ये, और साहित्य लहरी भी नहीं है, ये सूरदास की है। पंचवाणी और दिव्य प्रबंधन इन दोनों में से कुछ हो सकता है। अब हम 50-50 वाली स्टेज पर आ गए हैं। तो अलवार संत जो थे 12 संत थे और इनकी जो गीतों का संकलन है वो दिव्य प्रबंधम में है। दिव्य प्रबंधम, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। पता है आप लोगों को, अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार क्या है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है, निर्गुण है, निराकार है। और शंकर ने जो है कहा कि हमारे बीच में, शंकराचार्य ने हमारे बीच चारों ओर के संसार को मिथ्या और माया माना है और ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो ये अद्वैतवाद है इनका, बहुत अच्छे से इनका जो है दर्शन है इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विशिष्ट द्वैतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अभी आप लोगों को बताया था रामानुजनाचार्य ने किया है। राम जी विशिष्ट थे तो रामानुजन, वहीं से आपने देख लिया। इन्होंने क्या बताया है कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ गई है, उसके बावजूद भी उसकी एक अपनी अलग पहचान, अपनी सत्ता है। और वो रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे और उनके अनुसार क्या था, मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है, विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखिए तो मोक्ष आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वीर शैव, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट, ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और अगला है, यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी। ये जो है अलवार और नैनार जो संत थे उन्होंने शुरू किया था भक्ति आंदोलन जो है, और मंदिर पूजा के विशिष्ट संबंध है। क्या होता था, कई बार मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। और ये जो है वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में ये शुरू हुआ था और ये क्या कहता है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, ये नहीं कि ब्राह्मण बहुत उच्च हैं या नारियों को नहीं जाने दिया जाएगा या जो नीची जात के लोग हैं उनको धर्म को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। तो ये विचारधारा के प्रबल विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 39, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसे स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन 40, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति की यह परंपरा पंडरपुर में विठ्ठल विष्णु का एक रूप और
पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की। सही बात है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इन्होंने संन्यास के विचार पर अधिक बल दिया, ये गलत है। संन्यास तो एक तरीके का कर्मकांड ही हो गया, जबकि ये कर्मकांड के लिए मना कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर्म संन्यास के विचार को ठुकरा दिया और क्या कहा, किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताना को अधिक पसंद किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी आप मानव सेवा करिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42, इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे। उलेमा कौन थे, विद्वान जो होते थे उन्हें उलेमा कहते थे। कुलीन वर्ग के लोग क्या कहलाते थे, अमीर कहलाते थे। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह वो होते थे विजारत, उनकी मंत्रिपरिषद विजारत में आती थी। और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे, चेट्टी या फिर मोदी और या बोहरा, इस तरीके के उनके नाम थे। ठीक है, रिवीजन भी चल रहा है यहाँ पे साथ में, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये काव्य की रचना करते थे। उनका क्या था, उन्होंने मूर्ति पूजा को तो नहीं माना था, ठीक है, अस्वीकार किया था, लेकिन उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना या नमाज का रूप देकर काफ़ी उन्होंने सरल बना दिया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ ठीक है, इस्लाम ने उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर काफ़ी सरल बना दिया था, सही। ये स्टेटमेंट भी सही है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। और गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इनके कारण ही विकसित हुई हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, सत्य कथन पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 44, सूफियों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची में कौन से सही सुमेलित हैं, हमें ये बताना है। तो जिक्र, जिक्र क्या है, नाम का जाप करना, ये सही है। इन्होंने इसमें क्या हुआ है, ये जिक्र करना, जैसे भगवान का जिक्र करना, बार बार उनका नाम लेना, किसी तरीके राम 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 राम, उनका जिक्र हो रहा है भगवान का, या फिर अल्लाह 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 अल्लाह, तो उनका जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट समा, समा का मतलब हमने देखा ही था, गाना, गाने के माध्यम से। और रक्स, रक्स का मतलब होता है नृत्य, ना कि ध्यान, तो यहाँ पे होगा नृत्य। कौन सा सही सुमेलित है, फर्स्ट और सेकेंड सही सुमेलित है, थर्ड जो है सही सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 45, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र से आकर मध्य भारत में बसने लगे थे। वेरी इजी, मध्य एशिया से आए थे ये लोग, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य क्या है। खानकाह क्या है, ये वो जगह है जहाँ पे सूफी संत अक्सर रहा करते थे, सूफी संतों का निवास स्थान, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर ए। याद करिए, बौद्ध जहाँ रहते थे वो जगह कौन सी थी, और जहाँ पूजा करते थे उसको क्या कहते थे। बौद्ध जहाँ रहते थे उसको बिहार कहते थे, और जो उनके पूजा स्थल होते थे उनको चैत्य कहते थे। ठीक है, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। ठीक है, यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, और अक्सर लोग ये समझते थे कि इनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। असत्य कथन हमें बताने हैं, यह भारत का सबसे प्राचीन संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा है, भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। प्रथम संत जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, और प्रसिद्ध संत थे कौन से, निजामुद्दीन औलिया। और लास्ट स्टेटमेंट है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुई, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इराक में नहीं, बल्कि अबू इशाक ने ईरान के उत्तर पूर्वी प्रांत जो है खुरासान, वहाँ पर की थी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, असत्य कथन ही यहाँ पर पूछा है, आंसर हो जाएगा हमारा डी, केवल 3, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, अवधी भाषा में की है। अवधी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दी गई रचनाओं में कौन सी सूरदास के द्वारा रचित है। अभी हमने एक क्वेश्चन जब सूरदास के बारे में देखा था, ठीक है, तो हमने क्या उनकी रचनाएं भी देखी थी। यहाँ पे आप सूरदास को तुरंत रिवाइज कर लीजिए कि उनकी रचना कौन सी थी, उनके गुरु कौन से थे, वो अष्ट छाप में थे या नहीं थे, ठीक है। तो सूर सागर उनकी रचना है, सूर सारावली भी है और साहित्य लहरी भी इनकी रचना है। इनकी रचना की भाषा कौन सी थी, ब्रजभाषा थी, और ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर के और जहांगीर के दोनों के समकालीन थे। जहांगीर के काल में ही इन्होंने सूर सागर की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, मीराबाई के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुनायी थी, सही बात है। मीराबाई के बारे में आपको पता ही होगा कि वो मेवाड़ के एक राशि घराने में उनकी शादी हुई थी और वो कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थी। उनकी गहरी भक्ति भाव जो था, उन्होंने भजन हैं काफ़ी सारे उसमें बताया भी है गा करके। और इन्होंने जो राजस्थान में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है, वहाँ खुली चुनौती दी थी वहाँ की जो नियम वगैरह हैं उनको। इनके गीतों ने उच्च जाति के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी, सही बात है। और मीराबाई के गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए, ये स्टेटमेंट भी सही है। सत्य कथन बताने हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं, इससे आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है, आशा है आप सभी को पसंद आया होगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने आंसर्स आपके ठीक हुए हैं। और इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार आप देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ। थैंक यू।